दोस्तों, दुनिया भर में भारत जिस तरह से वर्ल्ड लीडर की भूमिका निभाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, हमारे सामने उतनी ही चुनौतियां भी आ चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त G20 के मेन इवेंट को बिना किसी परेशानी के कॉन्क्लूड करना होगा, क्योंकि हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि सभी देश यूक्रेन और रूस के मुद्दे को लेकर एक ज्वाइंट स्टेटमेंट यानी कि कम्युनिक पर हस्ताक्षर करने को भी सहमत नहीं हो पा रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो तब खड़ा हुआ जब पुतिन ने अगले महीने साउथ अफ्रीका में होने वाली ब्रिक्स समिट में फिजिकली जाने से मना कर दिया, जिसके पीछे की वजह सुरक्षा कारणों और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जारी किए गए अरेस्ट वारंट है, क्योंकि ICC ने यूक्रेन में हो रहे मानव अधिकारों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए पुतिन के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया, जिसे ध्यान में रखते हुए सभी पश्चिमी देश साउथ अफ्रीका पर दबाव बना रहे थे कि जब पुतिन ब्रिक्स समिट के लिए वहां पर आए तो वह उन्हें अरेस्ट कर ले। पर हम सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो रूस साउथ अफ्रीका के खिलाफ जंग छेड़ सकता है। लेकिन साउथ अफ्रीका में पुतिन को अरेस्ट किया जाता है या फिर नहीं, ये एक बिल्कुल ही अलग मुद्दा था। पर सबसे बड़ी चुनौती थी पुतिन की सुरक्षा, जिसे लेकर साउथ अफ्रीका खुद भी कॉन्फिडेंट नहीं था। ऐसे में चीन सामने आया और चीन ने साउथ अफ्रीका को आश्वासन दिया कि वह पुतिन और सभी वर्ल्ड लीडर्स को आमंत्रित करे और इस पूरे इवेंट की सुरक्षा चीन के हाथों में होगी। लेकिन रूस इन सभी घटनाओं को देखकर समझ चुका था कि इस वक्त पुतिन का साउथ अफ्रीका जाना कोई अच्छा कदम नहीं होगा, बजाय इसके वे इस समिट को वर्चुअली अटेंड कर सकते हैं, जबकि उनकी जगह पर रूस के विदेश मंत्री साउथ अफ्रीका चले जाएंगे। बता दें कि ये खबर सुनकर सभी पश्चिमी देश काफी ज्यादा खुश हुए, क्योंकि अब पुतिन एक काफी बड़े प्लेटफॉर्म की मीटिंग को खुद अटेंड करने नहीं जा सकते, जो अमेरिका और सभी यूरोपियन देशों के लिए एक बड़ी जीत है। जिसके बाद इन सभी देशों ने भारत से सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या ऐसे हालात में भारत पुतिन को सितंबर में होने वाले G20 के मेन इवेंट में इनवाइट करेगा या फिर नहीं। जिस पर हालात क्लियर करते हुए भारत ने एक बड़ा बयान देकर यह बात साफ कर दी कि G20 के होस्ट के तौर पर हम सभी G20 देशों को इनविटेशन भेजेंगे। हालांकि ये उन देशों का फैसला होगा कि वे इसमें इन पर्सन शामिल होते हैं या फिर नहीं। मतलब भारत ये बात साफ कर चुका है कि G20 की अध्यक्षता करते हुए हम किसी भी देश को इस मीटिंग में आने से नहीं रोकेंगे, बल्कि हम तो चाहते हैं कि हर देश बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले और हम विश्व में बड़ी समस्याओं का हल निकाले, जैसे कि गरीब देशों पर बढ़ता कर्ज और विश्व की आर्थिक स्थिति। लेकिन अगर कोई देश इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहता तो हम इसके लिए उसे प्रेशराइज नहीं कर सकते, जिसकी वजह से भारत ने यह बात भी खुलकर कही थी कि कम्युनिक पर अगर सहमति नहीं बनती तो हम इसे हटाने को तैयार हैं, पर G20 के प्लेटफॉर्म से रूस की निंदा नहीं होने देंगे, वहीं ना ही हम अपनी तरफ से यूक्रेन मुद्दा उठाने वाले हैं। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भारत के इनविटेशन पर क्या व्लादिमीर पुतिन G20 के मेन इवेंट को अटेंड करते हैं या फिर नहीं। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर ईरान की तरफ से दिए गए कुछ बड़े बयानों को लेकर है, जो ग्लोबल लेवल पर चल रही पॉलिटिक्स के बारे में हमें काफी कुछ समझाते हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि क्या ईरान के बयानों में कुछ सच्चाई है या फिर नहीं। तो चलिए इस खबर को भी डिटेल से समझते हैं। दरअसल हाल ही में ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान ये बात बोल दी कि डिप्लोमेसी के मामले में भारत और भी ज्यादा सक्रियता से काम कर सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे, जिसे देखकर ईरान खुश नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने भारत को चीन से तुलना करते हुए ये बात समझाने की भी कोशिश की कि आज चीन अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाए गए प्रतिबंधों का पालन न करते हुए न सिर्फ ईरान से तेल खरीद रहा है, बल्कि चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच में शांति तक कायम कर दी, जो भारत नहीं कर सका। मतलब वे कहना चाहते हैं कि भारत को एशिया में और भी ज्यादा सक्रिय होकर बड़ी भूमिका निभानी चाहिए, जैसे कि चीन आज कर रहा है। अब यहाँ पर यह समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि ईरान ऐसा इसलिए कहना चाहता है ताकि भारत अमेरिकी प्रतिबंधों को तोड़कर ईरान से क्रूड ऑयल खरीदना शुरू कर दे, जो मौजूदा समय में ईरान के लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि आज ईरान एक खाद्य पदार्थों के संकट से तो गुजर ही रहा है। साथ ही ईरान के पास फॉरेन करेंसी की भी कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। ऐसे में अगर भारत ईरान से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस खरीदना शुरू कर दे तो यह ईरानी अर्थव्यवस्था के लिए लाइफ सेवर का काम करेगा। लेकिन भारत ऐसा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अमेरिका भारत के सबसे महत्वपूर्ण पार्टनर देशों में से एक बन चुका है और आज क्रूड ऑयल के मामले में भारत के पास कई विकल्प मौजूद है। ऐसे में हम ईरान से तेल सिर्फ तभी खरीदेंगे जब हमें ईरान कोई ऐसा डिस्काउंट ऑफर करे जो हमें किसी भी देश से ना मिल रहा हो। ऐसे में ईरान के इस स्टेटमेंट पर आपकी क्या राय है कि क्या भारत को ईरान के साथ अपना तेल व्यापार शुरू कर देना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।